नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, आज हम बहुत ही बढ़िया और प्रीमियम हेडफोन्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो है हेडफोन बाय बेसियूस। और गाइस, ये है बजट हेडफोन्स। और गाइस, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बजट और ब्रांडेड हेडफोन्स को अनबॉक्स करने के लिए। बट गाइस, उसके पहले MI Band 3 जो है, जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे इंडिया में कब लॉन्च होगा, सो MI Band 3 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। सो अगर किसी को उसे बाय करना है तो Amazon की जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइज, हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, सो अगर किसी को उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगी। सो ये है बेसियूस S09 ईयरफोन्स का बॉक्स और आगे की तरफ उसकी इमेज आपको देखने मिलती है। बॉक्स के पीछे की तरफ आपको कई सारे फीचर्स देखने मिलते हैं और वहाँ पर आपको देखने मिलता है क्वालिटी पास और बार कोड। और साइड में बॉक्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस बार कोड्स और उसकी ब्रांडिंग दी गई है। तो डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइज, ये है वो एक्चुअल हेडफोन्स और काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है। और यहाँ पे जो ईयर टिप्स है वो भी आपको मैग्नेटिक देखने मिलते हैं। और यहाँ पे आपको बेसियूस की ब्रांडिंग देखने मिलती है और पीछे की तरफ आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और प्ले पॉज का बटन देखने मिलता है। यहाँ पे साइड में आपको माइक्रो USB चार्जिंग केबल देखने मिलती है, जिसकी हेल्प से आप इसकी बैटरी चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे मैनुअल में आपको कई सारे उसके फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे उसकी बैटरी है 70 mAh और कई सारे और फीचर्स। सो गाइज, यहाँ पे हम इसे पावर ऑन करते हैं। सो जैसे आप पावर ऑन करते हो, यहाँ पे उसकी LED ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है। तो फ़ोन के साथ हम इसे पेयर करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मुझे आता है बेसियूस एनकॉक S09, तो क्लिक करके उसे पेयर करते हैं। और गाइज, अभी ये पेयर हो चुके हैं और लाइट ब्लिंक होना स्टॉप हो चुकी है। सो गाइज, अभी हम देखते हैं कैसे इसकी साउंड क्वालिटी और कैसे ये परफॉर्म करता है। सो गाइज, काफ़ी बढ़िया इसकी साउंड क्वालिटी है। और गाइज, यहाँ पे जो बटन से इसकी हेल्प से आप वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन या फिर प्ले पॉज कर सकते हो। प्लस आप जो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन है उसकी हेल्प से नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक चेंज कर सकते हो। सो काफ़ी बढ़िया और अच्छे हेडफोन्स है। और यहाँ पर आपको मैगनेट भी देखने मिलता है, तो इसकी हेल्प से आप इन्हें स्टिक कर सकते हो। तो जब भी जॉगिंग के लिए जाओगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप इसे जिम में भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी मटेरियल का है, सो काफ़ी बढ़िया और अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। मुझे पता नहीं ये स्वेट प्रूफ है कि नहीं, बॉक्स पे या फिर मैनुअल में ऐसा कुछ भी मैंशन नहीं है। तो बात करते हैं इसके माइक्रोफोन की, तो बहुत ही बढ़िया रिसेप्शन आता है जब भी आप कॉल प्लेस करते हो। सो काफ़ी बढ़िया हेडफोन्स है अगर आप इसकी हेल्प से कॉल भी लगाते हो। सो यहाँ पे माइक्रोफोन दोनों ईयरबड्स के बीच में रख के यहाँ पे हम देखने वाले कैसे इसकी साउंड क्वालिटी। सो गाइज, यहाँ पे हम देखेंगे कैसे ये चार्जिंग पे लगता है। सो यहाँ पे जो ओरिजिनल केबल मिली है बेसियूस की, उसे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और गाइज, जैसे मैं कनेक्ट करके बटन टर्न ऑन करता हूँ, यहाँ पे रेड कलर की LED आती है, तो ये चार्जिंग पे लग चुका है। तो जैसे आपने देखा, इनका अनबॉक्सिंग काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतरीन ये हेडफोन्स है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। और गाइस, काफ़ी बजट प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे। सो मैंने इसे खरीदा है लगभग कुछ 750 से लेकर 800 रुपये की प्राइस रेंज में, और उसी प्राइस रेंज में अभी आपको मिल जाएगा ये AliExpress.com पे। सो अगर किसी को इसे बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे बाय कर सकते हो। और गाइज, ये काफ़ी बढ़िया हेडफोन्स है, मतलब अगर आप जॉगिंग के लिए जाते हो तो आपको बस टेंशन नहीं लेना है, बस ये मैग्नेट है यहाँ पे आपको स्टिक करना है और फिर आप इसे छोड़ सकते हो। और यहाँ पे आपको लेंथ एडजस्टमेंट भी देखने मिलती है। सो ओवरऑल काफ़ी बजट और बढ़िया हेडफोन्स है। सो गाइज, बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।